आज का जो टॉपिक है वो है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैं आपके पास पीडीएफ शेयर करती हूँ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? वो ओबे करता है रोल्स लॉ को। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? वो ओबे नहीं करता रोल्स लॉ को। वो शो करेगा आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम रोल्स लॉ। जैसे पी ए की वैल्यू आपके पास इक्वल किसके होती थी? पी ए नॉट एक्स ए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए रोल्स लॉ में। बट इसमें पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ऐसे पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास जो इंटरेक्शन होती थी आपके पास सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन। ए ए आपके पास सॉल्यूट है, बी बी आपके पास सॉल्वेंट है। इनकी जो मिक्सिंग होगी आपके पास ए बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, वो आपके पास इक्वल होगी। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? ए ए और बी बी की जो इंटरेक्शन होगी आपके पास वो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। ग्रेटर देन होगी तो पॉजिटिव डेविएशन और लेस देन हुई तो नेगेटिव डेविएशन। इसमें जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग होगा आइडियल सॉल्यूशन में, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता था? जीरो। तो इसमें एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग क्या हो जाएगी? नॉट इक्वल्स टू जीरो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग, जो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या था? डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल्स टू जीरो। फिर ये इसके एग्जाम्पल है, इथाइल एल्कोहल प्लस वाटर, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो इसमें टू टाइप्स के नॉन आइडियल सॉल्यूशन कर्व्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास पॉजिटिव डेविएशन। तो आपने थोड़ा सा स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन बढ़ाया, जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन। तो जैसे आपका एग्जाम्पल है, जैसे ए ए ये आपके पास है सॉल्यूट, बी बी ये आपके पास सॉल्वेंट। यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन, वो थोड़ी स्लाइटली ग्रेटर देन होगी। आपके पास ए ए की इंटरेक्शन है और जो बी बी की इंटरेक्शन है वो ग्रेटर देन होगी किससे? ए बी की इंटरेक्शन से। तो यही पॉइंट लिखा है। तो आपके पास क्या होगा? दीज सॉल्यूशंस शो स्मॉल पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ इफ दीज सॉल्यूशन, जो ए बी इंटरेक्शन है ऑफ द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन वो स्लाइटली क्या होगा? वीकर होगा देन किससे? ए ए और बी बी इंटरेक्शन इन प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। तो जो वेपर प्रेशर होगा हमारे पास कंपोनेंट का, वो इजीली क्या होगा? ग्रेटर देन होगा रोल्स ला के, जैसे आपका आइडियल सॉल्यूशन का बनता था उससे थोड़ी सी ग्रेटर देन उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। एज ए रिजल्ट वेपर प्रेशर कंपोजिशन ऑफ दिस सॉल्यूशन स्लो स्लाइट अपवर्ड कर्व, जैसे शोन इन कर्व में दिखा वो डायग्राम में दिखाई गई आपके पास। तो टोटल प्रेशर है जो रिमेन्स विद इन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए और बी, तो स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन जो आपके पास होगा वो आपके पास क्या होगा? थिक लाइन, डॉटेड लाइन्स आपके पास रिप्रेजेंट की गई है। जैसे आइडियल बिहेवियर क्या होती है? आइडियल बिहेवियर की क्या है? जैसे एक्स ए से एक्स बी, लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन ए है उसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है आपके पास? डिक्रीज होता है। ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशन में कर्व फर्स्ट ए की बनती थी। जब आप राइट टू लेफ्ट चलते थे तो कंसेंट्रेशन बी की डिक्रीज होती थी, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा उसका। तो आपके पास ये कर्व बनती थी, टोटल प्रेशर ये हो जाता था आपके पास। इसमें फिर ऐसे ही है कि इससे स्लाइटली इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर, तो ये आपके पास ये कर्व फर्स्ट आ जाएगी, ये कर्व सेकेंड की आ जाएगी और ये टोटल प्रेशर की आ जाएगी। ठीक है, समझ आया आपको? टाइप फर्स्ट यस मैम।
ये आपके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन हमने लिए हैं वो आपके रिपेल करते हैं मॉलिक्यूल्स, वो डू नॉट लाइक ईच अदर। तो इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगी आपके पास इसकी, इंक्रीज पॉजिटिव। और इसमें आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाती है, वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाती है, पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, तो आपका जैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अब सेकंड आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट सॉल्यूशन इज मोर देन एक्सपेक्टेड बाय रोल्स लॉ, तो वेपर प्रेशर कर्व ऑफ दिस सॉल्यूशन शो कंसिडरेबली अप अपवर्ड कर्व। तो पहले तो 100 रही थी, ऊपर से बढ़ रही थी, अब अपवर्ड कर्व से हमारे पास एकदम बढ़ जाएगी, उसकी वेपर प्रेशर कर्व है जो सॉल्यूशन की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो टोटल प्रेशर है हमारे पास कंपोजिशन का वो किससे ग्रेटर देन होगा, रोल्स लॉ के ग्रेटर देन से होगा हमारे पास। तो वही पॉइंट है इसमें, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए बी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज मोर देन द प्योर लिक्विड, इंडिकेट्स करेंगे इसमें ए बी इंटरेक्शन इन द सॉल्यूशन वो क्या होगा, विकर होगा ए ए और बी बी इंटरेक्शन से। जैसे ये मैंने करके दिखा रखा है, ए बी आपका ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स है, इसमें वो इससे लेस देन किससे होंगे, ए ए और बी बी सोल्यूट से। तो वेपर प्रेशर जिसका सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा। तो ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एज पार्शियल वेपर प्रेशर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ। तो इसमें जो पॉजिटिव डेविएशन आपका शो किया गया है वो ठीक लाइन से शो किया गया है, ये आपके पास पॉजिटिव लाइन डेविएशन है वो ठीक लाइन से इंडिकेट किया गया है। इसका जो डेल्टा वी मिक्सिंग होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगी। तो सॉल्यूशन है हमारे पास वो अटेम्पेड क्या करता है, हमारे पास हीट ऑफ मिक्सिंग और इंक्रीज इन वॉल्यूम, एंडोथर्मिक प्रोसेस आपका इसमें होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे हमने एग्जांपल लिया इथेनॉल और साइक्लोहेक्जेन, इथेनॉल में हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। आपको ये पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर देन होती है वंडरवाल फोर्सेस से। और जो साइक्लोहेक्जेन ले रहे हैं वो हमारे पास क्या एक्सपेक्ट करता है, वंडरवाल फोर्सेस। जब हम साइक्लोहेक्जेन ऐड करेंगे इथाइल एल्कोहल में तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है इथाइल एल्कोहल उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास एल्कोहल्स की है वो ब्रेक हो जाएगी, तो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, टूट हो जाएंगे एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स आपके वीकेंट हो जाएंगे। तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोहल और साइक्लोहेक्जेन मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्यूशन इंक्रीजिंग, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा सॉल्यूशन का, वो भी हमारे पास इंक्रीज करेगा। तो एज एक्सपेक्टेड टू द अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, तो ऐसे ही हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स नहीं होते हैं 0 के। एक्सप्लेन, जैसे आपने डेल्टा वी एच मिक्सिंग है ये आपके पास ए ए है, इसकी बी बी है, आफ्टर मिक्सिंग के बाद आपके पास इसके 2 मोल्स, तो इसकी तो 10 होती है एनर्जी, इसकी 10 होती है, ये वीक आपके पास इंट्रेक्शन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो इसकी एनर्जी भी आपके पास क्या होगी, दूर दूर होंगे तो वीक हो जाएंगी। तो 1 मोल की मान लो 6 है तो दोनों मोल की कितनी होगी, 12, ब्रेक कर देंगे ये आपके बॉन्ड्स को। ठीक है, तो आपके पास जो डेल्टा एच मिक्सिंग होती है वो क्या होगी, 20 माइनस 12, तो ये आ गया आपके पास पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव आ गया तो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशंस अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। ऐसे इसका निकालेंगे पॉजिटिव का हमारे पास, तो देखिए कैसे है, किस कारण से डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉल्यूशन, मॉलिक्यूल्स विल बी यूजली हेल्ड और इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। मिक्सिंग का वॉल्यूम भी हमारे पास ऐसे ही होगा, ए ए है, ये बी बी है, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसे इसका 10 वॉल्यूम है, इसका भी 10 है, तो इसका हमारे पास कम हो जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि ये इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे पास इसका वीक इंट्रैक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास होता है वॉल्यूम सॉल्यूशन का माइनस वॉल्यूम सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम सॉल्वेंट डेल्टा वी मिक्सिंग इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ आया? अब यस मैम। जैसे इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा आपका वो जो वॉल्यूम सॉल्यूशन है, आप वॉल्यूम सॉल्यूशन मान सकते हो, जैसे ये है आपके पास 10 ए ए सॉल्यूट, ये आपके है बी बी सॉल्वेंट, इसका आप मान लो 20 है। सॉरी 10 है, इक्वली है। आप इसको मिक्सिंग करी तो आपके पास वीक इंट्रैक्शन है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 30 हो गया। तो 30 में से आपके पास 10 अभी मिक्सिंग क्या हो गया। थर्ड है, अगर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करे लार्ज नेगेटिव डेविएशंस, तो उसमें भी क्या है, आपके पास जब जैसे ए ए सॉल्यूट है, बी बी आपके पास सॉल्वेंट है, इनकी जो इंट्रैक्शन होगी ए बी की वो इससे लेस देन हो, तो आपका क्या होगा, ए बी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके पास स्ट्रोंगर होंगे, रिपेल नहीं करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, उसमें स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लविंग ईच अदर होंगे वो आपके पास, तो मॉलिक्यूल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसमें आपका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें जो आपके पास एक्सपेक्टेड बनेगा ग्राफ वो क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड ये रोल्स ला की होती है पी ए और ये पी बी, और ये आपके पास टोटल प्रेशर। अब इसके डिक्रीजिंग में आ जाएंगे आप, ये वाला कर्व बने, तो देखिए कैसे इसमें मैंने लिख रखा है, इन दिस सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड बाय रोल्स लॉ, कंस्ट्रक्टिवली द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ दिस सॉल्यूशन शो डाउनवर्ड कर्व, तो टोटल वेपर प्रेशर जो कर्व है एट एनी कंपोजिशन इज लेस देन प्रेडिक्टेड बाय रोल्स लॉ, तो एक्सपेक्टेड टेंडेंसी ऑफ ए और बी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन इज लेसर देन प्योर लिक्विड, तो ए बी की इंट्रैक्शन ग्रेटर देन होगी किससे, ए ए और बी बी से, तो उसका जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है वो डिक्रीज करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, एग्जाम्पल वही है। इसमें आपके पास हीट क्या होगी, रिवोल्यूशन होगी, रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके पास इसमें होगी, कंट्रेक्शन होगा, तो इसमें वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को हम मिक्स करते हैं, तो एसीटोन क्या है आपके पास, इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, तो इसको क्या हो जाएगी, वंडरवाल इंट्रैक्शन, इसको जब आप क्लोरोफॉर्म के साथ अटैच करवाओगे तो उसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ग्रेटर देन होती है वंडरवाल इंट्रैक्शन से, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर देन एंड द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ईच लिक्विड सॉल्यूशन डिक्रीज, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू द फॉर्मेशन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये आपके ग्राफ बन जाएगा।
इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ेगा आपका सारा, ठीक है, जो से मैंने आपको पहले बनवा दिया। समझ आया आपको ये? यस मैम, फिर है यस कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस एंड लिक्विड फेस, इसको कहते हैं कॉनपॉल रूल। तो इसमें आप पार्शियल प्रेशर का रिलेशनशिप होता है एंड टू कंपोनेंट्स बाइनरी सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन को ड्राइव करते हैं एक डोम मार्जल इक्वेशन, ये आपको याद रखनी है। एक्स ए डी एल एन पी ए बाय डी एक्स ए इक्वल टू एक्स बी डी एल एन पी बी बाय डी एक्स बी। एक्स ए एक्स बी आपके पास इसमें मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स ए और बी के, पी ए और पी बी क्या है पार्शियल प्रेशर्स है। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको रीअरेंज किया है, तो जो डी एल एन पी ए बाई डी एक्स ए है तो हमने उसको डी एल एन पी बाई ए को कैसे लिख दिया, एक्स ए डी एक्स ए, और जो डी एल एन पी ए था उसको हम लिख सकते हैं डी पी ए बाई पी ए। ऐसे एक्स बी डी एक्स बी डॉट डी पी बी बाई में पी बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स ए अपॉन में पी ए डॉट डी पी ए डिवाइड बाय डी एक्स ए इक्वल टू एक्स बी बाय में पी बी डॉट डी पी बी बाय डी एक्स बी। अब आपको पता है जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपका सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एक्स ए प्लस डी एक्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो डी एक्स बी किसके इक्वल आ गया, माइनस डी एक्स ए के। अब जो ये इक्वेशन थी सेकेंड इक्वेशन, इसमें आप पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स बी की जगह क्या पुट करोगे, डी एक्स ए। तो इक्वेशन आपके पास बनेगी एक्स ए डिवाइड बाई पी ए डी पी ए डी एक्स ए इक्वल टू माइनस एक्स बी पी बी डी डी पी बी, और डी एक्स बी की जगह क्या लिख दिया, डी एक्स ए। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वाली टर्म यहाँ चली जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डी पी ए बाई डी एक्स ए किसके इक्वल आ गया, माइनस का एक्स बी पी ए डिवाइड बाई एक्स ए पी बी डी पी बी बाई डी एक्स ए। अब टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है आपके पास, पी ए प्लस पी बी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए करना है, डी पी ए बाई डी एक्स ए डी पी बी बाई डी एक्स बी। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड में हम ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, डी पी ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी ना अभी, ये वाली वैल्यू ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे डी पी ए बाई डी एक्स ए की जगह। तो डी पी बाई डी एक्स ए इक्वल टू माइनस का एक्स बी पी ए एक्स ए पी बी डी पी बी बाई डी एक्स ए प्लस का डी पी बी बाई डी एक्स ए। अब इसमें हमने कॉमन ले लिया डी पी बी बाई में डी एक्स ए कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एक्स बी पी ए डिवाइड बाई एक्स ए पी बी। आपको ये पता है कि डी एक्स ए किसके इक्वल था, माइनस का डी एक्स बी। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है डी पी बी बाई डी एक्स ए, तो एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बी, तो माइनस का साइन हो गया, नेगेटिव टर्म। अब आपको ये पता है जो एक्स बी नेगेटिव टर्म कैसे आएगी, एक्स बी पी ए एक्स ए और पी बी किससे ग्रेटर देन हो, 1 से ग्रेटर देन हो, जब ही तो ये नेगेटिव में टर्म हमारे पास आएगी। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर जो फोर्थ थी उसमें पॉजिटिव होएगा, तो आपके पास ये जो इक्वेशन पार्ट था सेकंड टर्म आप कह सकते हो, तो इसमें ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो पी ए बाई में पी बी ग्रेटर देन किससे हो गया, क्रॉस कर मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो एक्स ए अपॉन में एक्स बी। तो कंपोनेंट ए है वो मोर वोलाटाइल हो गया आपके पास कंपोनेंट बी से, क्योंकि एक्स ए आपके ऊपर आ गया ना, तो वेपर प्रेशर किसका रिचर है, कंपोनेंट ए का इन देन द लिक्विड फेस से। ऐसे सिमिलरली हम करेंगे डी पी बी बाई डी एक्स बी इज नेगेटिव, और हेंस आपके पास क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी एक्स बी इज पॉजिटिव, तो वेपर फेस बिकम्स रिचर इन कंपोनेंट बी। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जो कंपोनेंट है उसमें ऐड करेंगे हम कंपोनेंट बी, तो टोटल वेपर प्रेशर है वो आपके पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। समझ आया आज का टॉपिक आपको? यस मैम।
कोई प्रॉब्लम? नो मैम।